थोड़े बड़े साइज का मैं लेकर के आई हूँ, ये है थोड़े बड़े साइज का। Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज है संडे और अभी हम लोग जा रहे हैं, विक्की और मैं दोनों मॉल जा रहे हैं। विक्की एक्चुअली जिसमें मैं हमेशा जाती हूँ वहाँ नहीं जाता है। लास्ट टाइम हम लोग संडे को तो हम बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, ना ही हम सैटरडे जाते हैं, बिकॉज इतना रश होता है, इतना रश होता है, ना तो आप कुछ खरीद पाते हो, ना आप कुछ खा पाते हो, ना आप इंजॉय कर पाते हो, उल्टा गर्मी और इतनी घबराहट होती है कि हम लोग सैटरडे संडे बहुत कोशिश करते हैं कि मॉल अवॉइड करें। इट्स बेटर कि मैं चली जाती हूँ अगर मुझे लेना होता है तो, और विक्की तो लेता ही नहीं। विक्की को भी कुछ लाना होता है तो मैं विक्की के लिए लेके आ जाती हूँ, तो ऐसा है। क्योंकि मैं वीकडे पे भी गई थी ना तो बहुत रश था, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज विक्की का ही मन था मॉल चलने का। विक्की कल से मुझसे बोल रहा है, आई डोंट नो, उसको कुछ देखना होगा, दो तीन चीज़ें, तो वो कल से मुझसे बोल रहा है चलने के लिए। बट कल थक गई थी मैं काफ़ी तो मन नहीं हुआ था और आज हम लोग जा रहे हैं तो लेट्स सी। पहले हम बाइक से निकलने वाले थे। हम लोग जनरली अगर सैटरडे संडे इन केस कभी जाते भी हैं तो हम बाइक से ही जाते हैं, हम लोग कार नहीं निकालते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है। और अभी हम लोग कार से जा रहे हैं बिकॉज बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी तो इसलिए। और आज मैंने पहना हुआ है जीन्स पहना हुआ है और ये जीन्स का शर्ट पहना हुआ है। विक्की ने भी सेम कलर कोऑर्डिनेशन सेम है बिल्कुल। एंड आज मैंने बिल्कुल डार्क सी लिप्स लगाई है, बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे रेड कलर की लगाई, तो वैसे मैं रेड पिंक लगाना छोड़ चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बहुत म्यूटेड कलर्स लगाती हूँ मैं, बट आज मेरा मन हो रहा था करने का सो आई डिड दिस। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे होम सेंटर का टूर देने के लिए। पहली बात तो आजकल मैं होम सेंटर जाती नहीं हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि होम सेंटर लास्ट 1 ईयर से सेम चीज़ें लेके आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। सेल में भी वही सब चीजें आई थिंक होंगी, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आज आपको छोटा सा टूर दे दूंगी होम सेंटर का, बिकॉज विक्की जा रहा है तो विक्की होम सेंटर जरूर जाता है तो इसलिए। और वही वो लोग बस, उनके पास दो ही कलर्स हो गए, एक तो टर्कोइज, दूसरा वो रेड कलर का थीम रहता है, तीसरा अभी वो लोग पर्पल कलर लेकर के आए, जो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग नहीं है, मतलब इतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है, बहुत डल है। तो बस ये दो तीन कलर्स ही हैं उन लोगों के पास, तो वही कलर देख करके ना बहुत बोर हो गई हूँ मैं, वही सामान देख के। तो अब मेरा होम सेंटर का क्रेज एकदम गया, खत्म हो गया है, तो मैं होम सेंटर अब जाती ही नहीं हूँ, बहुत टाइम बाद जाऊँगी, अभी जाऊँगी भी तो। अदरवाइज पहले मैं जब भी मॉल जाती थी मैं होम सेंटर जरूर जाती थी। और हम लोगों को एक चीज़ और लेनी है किचन के लिए मुझे, तो वो देखती हूँ मैं अगर मिलती है कि नहीं। और जो भी होगा मॉल का मैं वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा बहुत ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा होगा और इतनी पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करना ना, लोग भी आपको घूरने लग जाते हैं और आपको खुद को भी ऑकवर्ड लगता है। सो या लेट्स गो। ओके तो विक्की बताएगा आज अपन क्यों जा रहे हैं मॉल। मुझे होम सेंटर जाना है। विक्की को पता नहीं बहुत टाइम से कुछ चीज बनानी है और आज ही विक्की, मेरा एक फ्रेंड है जो कि जिसका शोरूम है, मतलब उसकी फैक्ट्री है, वुडन की चीजें बनाता है वो। अनफॉर्चुनेटली वो भोपाल में है और मैं मुंबई में हूँ, अगर वो मुंबई जहाँ मैं हूँ वहाँ हो तो हमारे घर का आई थिंक सारा फर्नीचर वो ही बनाता। और तो उससे विक्की बातें करता रहता है काफ़ी, ये करना है तो क्या करें, ऐसे करना है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है उससे हम लोगों को। तो वही अभी आने से पहले विक्की उससे काफ़ी देर से बातें कर रहा था, आधे घंटे से, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे दोनों भी दोनों। सो एंड हाँ, और मैं इंस्पिरेशन और आइडिया दोनों लेने जा रहा हूँ। हाँ बस हम इंस्पिरेशन और आइडियाज लेने जाते हैं ना, तो अभी हमारे घर में ना जगह है कुछ रखने की और ना ही कुछ लेने ले के लिए पैसे हैं फिलहाल। आई एम कैरिंग दिस बैग जो किसी काम का नहीं है। विक्की इतना चिढ़ता है मेरे स्लिंग बैग से। विक्की बोलता है कि इतने छोटे बैग क्यों ले लेती हो जिसमें कुछ नहीं आता है। अभी यार इतने मोटे मोटे बैग लेके आप हमेशा नहीं चल सकते, उसमें क्या आधा घर रख के चलेंगे क्या? तो नहीं, बट फिर भी कंधा दुखता है मेरा, शोल्डर पेन होने लगता है। तो फिर जरूरत की सारी चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो क्या मतलब बनाया था व्हाट्सएप बैग, पूरी दुनिया का व्हाट्सएप में बैग देखते हैं लेकिन खुद के बैग में चीजें नहीं होती है। मैं वॉटसन में बैग बहुत ज्यादा देखती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है देखने में। तो बोलता है खुद दूसरों के बैग देखती रहती हूँ और मैं छोटे छोटे बैग, मेरे पास बड़े बैग्स भी हैं बट वो मैं ऐसे नॉर्मल मॉल आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं शॉपिंग वगैरह में तो मैं उसको कैरी नहीं करती हूँ सब कुछ। तो विक्की बहुत चिढ़ता है ये इतने छोटे छोटे बैग क्यों लेके आ जाती हो। एक तो 2500 का बैग ऊपर से ना उसके अंदर पानी की बोतल आए, ना खाने के कोई सामान आए और भूख अपन को हर कभी लगती है, तो फिर वैलिड पॉइंट है। Men will be men. He will never understand the feeling of a girl. बहुत ज़्यादा brightness हो गई यार। तो
यहाँ पर मैं होम सेंटर में आ गई हूँ एंड होम सेंटर के फर्नीचर पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था. तो दिस इज़ अ क्वाइट क्यूट, आप ड्रेसिंग टेबल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसके अंदर बहुत अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं. बट ये बहुत एक्सपेंसिव था, 21,000 का था और काफ़ी छोटा सा है. उसके बाद ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है जो कि आफ्टर डिस्काउंट 17,000 का था, बट इसमें ये डिफेक्ट्स हैं तो मतलब मैं 17,000 भी दूँ और ये डिफेक्टेड पीस भी लूँ तो इट्स नॉट वेरी ग्रेट. उसके बाद ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 11,000 में काफ़ी अच्छी डील थी और काफ़ी स्टर्डी चेस्ट ऑफ ड्रॉर था. देन ये किचन के फर्नीचर्स हैं तो काफ़ी सारा डिस्काउंट था. और एक झोल ये लोग ये भी कर रहे थे, मतलब मैं तो बहुत आती हूँ होम सेंटर और मुझे सबके प्राइस लिटरली पता है कि एक्चुअल प्राइस इनका क्या है, तो जो एक्चुअल प्राइस है वही वो सेल प्राइस भी लिख रहे हैं. तो लोग बहुत, मेरे को ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सेल के टाइम पे, मतलब वो वही प्राइस पे बेच रहे हैं बट दे आर शोइंग इट कि सेल है भाई 50-60%, सब सेम प्राइस पे. यही नॉन सेल प्राइस भी इनका यही है जो इन लोगों ने सेल के प्राइसेस में डाला हुआ है. तो मुझे एज सच कोई सेल में डिफरेंस नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्नीचर में डिफरेंस था. बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट होम सेंटर में आप कभी भी जाओ 12 मंथ्स 40-50% डिस्काउंट पे, जो डिस्काउंटेड है वो हमेशा डिस्काउंटेड पे ही रहती हैं. देन यहाँ पर ये कुछ काफ़ी क्यूट पेंटिंग्स आई हैं जो कि बहुत ही क्यूट था और ये लैम्प्स आए, तो दिस इज़ फॉर यू नो किड्स के लिए, इट्स वेरी गुड अगर आपके घर में किड्स हैं, इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ लाउड कलर्स देन यू कैन गो फॉर इट. उसके बाद हम लोग गए थे वन स्टॉप जहाँ पर ये कास्ट आयरन के मैं देख रही थी सारी चीज़ें एंड देन स्टेनलेस स्टील. तो अगर आपके एरिया के आसपास वन स्टॉप है तो वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करिएगा बिकॉज़ उन लोगों ने स्टील का ग्लास का बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर के आए. वो स्टील के बर्तनों में जनरली हमको एयर टाइट मटेरियल नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छा एयर टाइट के साथ वो लोग स्टील के प्रोडक्ट्स लेकर के आए, माइक्रोवेव फ्रेंडली वो लोग चीज़ें लेकर के आए स्टील से, तो इट्स वेरी गुड. और यहाँ पर क्ले वाले पॉट्स भी अवेलेबल थे बट थोड़े से प्राइजी थे ये, बट ठीक है, मतलब इट्स गुड क्वालिटी, मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही थी. हे गाइस, तो अभी हम लोग कर रहे हैं कुकिंग और विक्की अपनी डिश बना रहा है, मैं अपनी डिश बना रही हूँ. तो फटाफट से हम लोग हमारी चीज़ें बना करके डिनर करेंगे बिकॉज बहुत तेज भूख लग रही है. दिस इज अवर न्यू आयरन कढ़ाई, माय आयरन कढ़ाई, विक्कीज आयरन कढ़ाई विच वी बोथ लविंग इट और बहुत अच्छी है. वी ओनली लविंग, नो इवन आई लव इट एज वेल. इस पर खाना अच्छे से पकता नहीं है बस. हाँ द प्रॉब्लम इज इसमें कुकिंग, क्योंकि ये प्रॉपरली अब वो तो आयरन है मतलब प्रॉपरली पकता नहीं है और ज़्यादा पकाओ तो जल जाता है, तो इसलिए उसको चलाते रहना पड़ता है कंटिन्यूसली, ये एक प्रॉब्लम है. राइट, क्योंकि इसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट, हाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. सो दिस इज आवर डिनर सैंडविचेस, दिस इज आलू टिक्की चाट, दिस इज आलू टिक्की चाट एंड दिस इज मैगी. सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम मॉल, व्हाट वी गॉट फ्रॉम मॉल, कपड़े किसके लिए, आपके लिए, आप पूछो गए क्यों थे, मेरे लिए, मैंने क्या खरीदा, कुछ नहीं. ए ये खरीदा ना जब लेवाइस में गए और जैसे ही मैंने ये ट्राई किया, एक सेकेंड, जैसे ही मैंने ये ट्राई किया तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अमेजिंग लग रही थी. आई एम इन द साइज एक्सेस और मेरे पास जीन्स की जैकेट एक भी नहीं है, तो दैट्स वाई मुझे ये लेना था. तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, ऐसा था बाय वन गेट वन फ्री, तो बाय वन पे भी 2599 का ये, तो अगर सेम प्राइस का होगा या उससे ज़्यादा प्राइस का होगा तो वो चीज़ वो होता है ना, ऐसा आपको अगर इससे ज़्यादा प्राइस का मैं कुछ लेती तो मुझे उसका पे करना पड़ता और ये मुझे फ्री मिलता. तो मैंने फिर सेम प्राइस का ही ये वाला शर्ट खरीदा है, ये सेमी फॉर्मल पैटर्न में है और ये बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद. विक्की को ये वाला पसंद आया, एक और ब्लैक कलर का था तो फिर हमने ये वाला ले लिया बिकॉज विक्की को भी पसंद आया था और ये मुझे भी पसंद आया था, ब्लैक वाला सिर्फ मुझे पसंद आ रहा था. तो ये दोनों मैंने लिया है और हम लोगों ने लिया है. नहीं नहीं ये मैंने लिया ना. हाँ अब आप लोग बताइए ये मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है. एक और चीज़, ये मेरे से ज़्यादा अगर ये पिलो पे अच्छा लगे तो बताना हो जरूर, क्योंकि ये एक्चुअली में पिलो कवर है जो मेरे लिए पिलो कुशन कवर. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पिलो लंबा होता है कुशन छोटा होता है. हाँ पिलो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, कुशन कवर स्क्वायर, कुशन को स्क्वायर शेप का जो होता है वो कुशन होता है. वाओ, तो ये मैंने लिया है. हमारी शॉपिंग थी. हे गाइस, तो आप देख रहे हो ये सब फैला रहा, सब कुछ कपड़े वपड़े फैले हुए हैं पूरे यहाँ पर. एक्चुअली मैं अपनी जो जीन्सेज हैं वो डी क्लटर कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे पास जब मैं ऑफिस जाती थी भोपाल में भी 2015-14 वाली जीन्सेस भी अभी तक रखी हुई हैं, क्योंकि वो सब अच्छे ब्रांड्स की होती थी, एलन सोली या ऐसे, जबकि मैं बहुत पहनती थी. मतलब ऑफिस में मेरा कोई फॉर्मल वॉर्मल ऐसा कुछ नहीं था. मेरे ऑफिस में मैं डेली ऑलमोस्ट जीन्स ही पहनती थी. 3-4 जीन्सेस थी जो बहुत कंफर्टेबल, मैं वो ही ऑल्टरनेट वैसे कर करके पहनती थी. बट स्टिल वो ना तो फटी है, ना वो रफ हुई है, ना उनका कुछ खराब हुआ है. तो अब मुझे वो अनफॉर्चुनेटली डिस्कार्ड ही करनी पड़ जाएगी, बिकॉज वो फालतू, अब मैं उनको पहनती नहीं हूँ क्योंकि अब वो मुझे थोड़ी सी टाइट हो गई हैं. मुझे आप लोगों से एक और चीज़ बोलना था, दैट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालने वाली हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना रहता है, या कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपको इंटीरियर से रिलेटेड आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हो कि हमको ये चेंज करना है हम क्या कर सकते हैं, हमको ये करना है हम क्या कर सकते हैं. आप हेयर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझसे पूछते हो कि हमको बालों से रिलेटेड ये है, हमको ये है, वो है, वो है, फलाना ढमकाना. कुछ के मैं आंसर्स दे पाती हूँ, कुछ के आंसर्स मैं नहीं दे पाती हूँ. कुछ लोगों को अपना पर्सनल कुछ प्रॉब्लम पूछना रहता है, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द आंसर्स देने की. बट अगर आप मुझसे फेस टू फेस वन ऑन वन चैट करना चाहते हैं, तो आप बोलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. मेरा जो आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप अपनी जो कॉल है वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं आपको प्रॉपरली एक सेशन दे दूंगी. फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं. बात करने से, फेस टू फेस बात करने से आपको शायद प्रॉपरली ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी. तो आप अपना जो सेशन है, कॉल सेशन है, वो मेरे साथ बुक करेंगे, और जब भी आप बुक करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं आप सभी लोगों से फेस टू फेस बात करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर पाऊंगी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलेगा, सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी. और नेक्स्ट अभी आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लंच के ऑप्शंस क्या हैं, लंच के लिए हम क्या ऑप्शंस ले सकते हैं. तो लंच के लिए तो मैं बहुत पहले से ही प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ. आई थिंक जब से मैं मुंबई में, शुरू में मैं शायद जो मुझे पहले से जानते हैं उनको ये मैंने बता रखा है कि मैंने मुंबई में भी 3 months जॉब किया है, तो मैं जब से ऑफिस जाती थी तब से हम लोगों ने इस तरह के लंच बॉक्सेस हम लेकर के आए थे. ये बहुत ईजिली आपको डीमार्ट में, बिग बाजार में, मोर स्टोर, हाइपर सिटी, सब जगह पे मिल जाएगा. ऑनलाइन भी इनफैक्ट इसका मिल जाएगा. मैं अमेजन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऐसे सेट आते हैं 4-4, 5-5 या सिंगल सिंगल्स भी आप ले सकते हैं. काफ़ी अफोर्डेबल होता है ये, 30 या 45 कुछ का होता है. तो ये बेसिकली माइक्रोवेव सेफ होते हैं, ठीक है. आप 30 सेकेंड से लेकर के 60 सेकेंड तक माइक्रोवेव में इसको रख सकते हैं. आपको इसमें कुकिंग नहीं करनी है, आप सिर्फ खाने को रीहीट कर सकते हैं, दैट्स इट. और फ्रीजर से निकला हुआ खाना आप इसमें गर्म नहीं कर सकते. तो लंच वाला जो खाना होता है वो ऑलमोस्ट गर्म ही होता है, राइट. थोड़ा गुनगुना होता है, वैसा लंच में रख करके देती हूँ मैं. तो लंच जो है विकी को इसी में जाता है. इस तरह के हमारे पास कम से कम 7-8 बॉक्सेस हैं, और तो इसमें मैं लंच देती हूँ. तो इट्स वेरी गुड, माइक्रोवेव फ्रेंडली है. और इस बॉक्सेस में कभी भी कुछ भी लिक्विड सामान स्पिल नहीं होता है. विक्की तो हर अल्टरनेट डेज में दाल ही लेके जाता है. समर में मैं इसमें दही भी रख के देती थी, तो कुछ भी लिक्विड जो है वो स्पिल नहीं होता है. दिस इज एयर टाइट और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. 1 साल से चल रहे हैं, 1-1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं. रफ एंड टफ यही डेली यूज़ होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. उसके पहले मैं कभी कभी ना रोटी वोटी रखने के लिए इस तरह के टपरवेयर के जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ करती थी. बट एक्चुअली ये जो टपरवेयर के बॉक्सेस हैं, टपरवेयर के जो बॉक्सेस हैं, ये थोड़े थोड़े से ना यहाँ से जल चुका है, और एक दो और जगह से हम लोगों ने इसको पूरा ख़राब, और ये हाँ, ये पूरा यहाँ से प्लास्टिक जो है इसका निकलना स्टार्ट हो गया है. तो ऑब्वियसली ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, अब ख़राब हो गया है ये पूरा. उसके बाद रोटी रखने के लिए थोड़े बड़े बॉक्सेस में से ऑप्शन इस तरह के स्टील का भी आप ले सकते हो. ये जो लिड है पूरी एयरटाइट लिड है, तो इससे क्या होता है आपका जो खाना है ना वो बाहर नहीं आता है. इसमें से भी इवन कुछ बाहर नहीं आता है. ये याद है पहले जब मैं स्कूल में थी तब कुछ बच्चे ऐसे स्टील के उसमें बॉक्सेस में लेकर के आते थे खाना. तो अभी फिर से ये आपको, ये मैंने लिया था वन स्टॉप स्टोर से लिया था. और उसके बाद थोड़े बड़े शेप के साइजेस में अगर आपको चाहिए माइक्रोवेव फ्रेंडली, तो अगेन इस तरह का, ये अंदर से पूरा स्टील है और ये आप माइक्रोवेव फ्रेंडली, इसकी भी मैं नीचे लिंक आपको अमेजन पे आई थिंक अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अगेन ये मेड इन इंडिया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग. ये मैं वन स्टॉप से लेकर के आई हूँ. वहाँ वन स्टॉप हो, अब तो काफ़ी सारे स्टोर्स पे भी लोगों को समझ में आने लग गया है, ब्रांड्स को भी समझ में आने लग गया है कि लोग अब प्लास्टिक अवॉइड कर रहे हैं. इसमें भी कभी भी आप एल्यूमिनियम की फॉइल्स कभी यूज़ मत करा करिए.
बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एल्युमिनियम फॉइल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो बच्चों को अगर आप रोटी रैप करके देते हैं या पराठे उसमें रैप करके देते हैं, उसको बिल्कुल भी रैप, आप बेटर है कि आप टिशू बिछा दीजिए या आप टिशू बिछा करके रोटी रख दीजिए, वो ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम फॉइल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो। उसके बाद ये थोड़े बड़े साइज़ का मैं लेकर के आई हूँ, ये है थोड़े बड़े साइज़ का। दाल चावल रखना हो तो पूरा, क्योंकि विक्की जब दाल चावल लेके जाता है तो वो मिला के लेकर के जाता है, तो वो रखने के लिए मैं लेकर के आई हूँ। और दूसरा मैं लेकर के आई हूँ इस तरह का मिक्सिंग वाला, क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव में जो मैं ढोकले ओखले बनाती थी उसका भी वो प्लास्टिक का ही था, और ग्लास वाले आप हमेशा रफ एंड टफ में यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये भी अगेन मिक्सिंग बाउल टाइप का है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका शेप वेप काफ़ी अच्छा है, ऐसे नॉर्मली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी माइक्रोवेव में यूज़ करना है तो आप लिड्स हटा करके ही इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि आप प्लास्टिक को डिस्कार्ड कहाँ पर करते हो, क्योंकि मैं अगर उसको डिस्कार्ड कर रही हूँ अगेन मैं एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, तो मैं इसका रीज़न आपको देना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी काफ़ी था कि मैं जो ये प्लास्टिक है मैं फेंकूंगी तो ऑब्वियसली नहीं, किसी को दूंगी भी नहीं, बिकॉज किसी को दूंगी भी तो उसकी हेल्थ पे नुकसान है। आपको मैं एक और स्टडी बताती हूँ, जिन लोगों को PCOS, थायरॉयड और एक और क्या पढ़ा था मैंने, एक और कोई तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तो मैं नीचे स्क्रीन पर चला दूंगी। ये डिजीजेस हैं, डिजीजेस नहीं, ये अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी को तो इन प्रॉब्लम्स में कभी भी प्लास्टिक कंटेनर में खाने को स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आप गर्म कर भी रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, प्लास्टिक कुछ सब्सटेंस है, बहुत टेक्निकल टर्म थी वो, मेडिकल जो टर्म्स होती हैं, वो रिलीज़ करता है ज़्यादा देर अगर खाना उसमें रखा रहता है तो, जिसमें आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों को प्लास्टिक के बर्तनों में सामान स्टोर भी नहीं करना चाहिए। तो यू नो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं प्लास्टिक को यूज़ करने के, तो इसलिए मेरा तो ये था ही कि मुझे प्लास्टिक हटाना ही हटाना है, अपने लिए तो हटाना है, क्योंकि मेरे को भी हार्मोनल डिसबैलेंस और इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तो एक है ही मेजर फैक्टर, लेकिन वो तो हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं धीरे धीरे, बट ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कभी कभी हमारे उस पर इम्पैक्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि प्लास्टिक, मैंने जब ये प्लास्टिक मैं डिस्कार्ड कर रही थी तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया कि आप प्लास्टिक को कहाँ डाल सकते हो, कैसे आप इसको क्या कर सकते हो। देर इज़ अ ऑप्शन, प्लास्टिक को रीयूज़ किया जाता है, मैं पॉलीथिन्स और जो ये होता है ये रीयूजेबल नहीं है, लेकिन जो इस तरह के बॉक्सेस हैं, ये जो क्लीन बॉक्सेस हैं, जो आपका जो खाना आता है मार्केट से, जो आपके प्लास्टिक के उसमें खाना आता है, ये सारी चीज़ें रीयूजेबल हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, आप गूगल पे क्लिक करिए प्लास्टिक रिसाइकल कंपनीज, तो आपको जो जस्ट डायल है उसमें कम से कम 100 कंपनीज आ जाएंगी आपके एरियाज के आसपास भी। मुझे नहीं पता थाने में मैं रहती हूँ, पर यहाँ पर 30-35 ऐसी कंपनीज थी जिनके नंबर्स आ गए थे, सो आई कॉल्ड देम एंड आस्क्ड देम कि आप क्या करते हैं, कैसे रिसाइकल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके घर आकर के प्लास्टिक का लेकर के जाती हैं, अगर कितने टन से ज़्यादा होता है मुझे याद था उन्होंने मुझे कि इतने टन से ज़्यादा अगर होगा तो हम मतलब बहुत ज़्यादा लॉट में अगर होगा तो वो खुद आएंगे और लेकर के जाएंगे, बट मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब एक झोला भर के ही मेरे पास सिर्फ था, धीरे धीरे करके मैं डिस्कार्ड कर रही थी, तो इसलिए मैं खुद जा करके वहाँ दे करके आ गई थी। तो आप क्या करिए, वहाँ पर कॉल करके पूछिए, उनसे एड्रेस पूछिए, आपके घर के जो नियर बाय है आप उनको वो जितना भी प्लास्टिक के इस तरह के बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, डब्बे डब्बी जो भी है, आप उनको नॉर्मली फेंकिए मत, एक किसी भी कंटेनर में जमा करके रखिए, बैग में जमा करके रखिए और वहाँ पर जा करके दे करके आ जाइए। प्लास्टिक से ये कंपनीज जो होती हैं ये रिसाइकल करती हैं, सपोज़ 10 बॉटल से ये एक नई टी शर्ट बनाते हैं, या जो ये डब्बे वब्बे होते हैं इससे फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, या बैग्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग, मतलब क्या करते हैं बहुत सारा आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 10 वेस्ट जनरेटिंग कंट्रीज़, मतलब इंडिया में डेली का 70,000 बिलियन का वेस्ट जनरेट होता है, कैन यू इमेजिन दैट्स, और 70,000 बिलियन का वेस्ट जनरेट होता है मतलब हम टॉप पर हैं वेस्ट जनरेट करने में, लेकिन हम सबसे लीस्ट नंबर पर आते हैं वेस्ट को रिसाइकल करने में। तो बस ये था, ये सब थोड़ी काम की चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते थे तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट अभी मैं अपनी जो जीन्सेस हैं वो डिस्कार्ड करने वाली हूँ। डू यू वॉन्ट टू सी माई जीन्स कलेक्शन एज वेल? डिस्कार्ड करने से पहले मैं एक बार दिखा सकती हूँ, मैं बताती जाऊँगी कि क्या क्या मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बिकॉज ये सब बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है।